किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही खुशी का दिन था, और ये खुशी मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये खुशी बिना आपके सहयोग के संभव नहीं थी मेरे लिए। किसान साथियों, कल हमारे यूट्यूब चैनल के 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अब हमारी संख्या 1,00,000 से 100 से ऊपर हो चुकी है। ये सब आपके सहयोग, प्यार और प्रेरणा का ही नतीजा है। मैं दिल से इस कार्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसान साथियों, मेरे कुछ किसान साथी ऐसे हैं कि जो मुझे निरंतर सहयोग भी करते हैं। ऐसे ही एक मेरे साथी हैं अमित भाटी जी, जो अमरहेड़ी गांव जींद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के रहने वाले हैं। इस बार हमने थिनिंग पर प्रयोग किया था, यानी छटाई पर, यानी जो घनापन पौधों के अंदर होता है उसे कम करना। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है, मैंने दिखाया था कि जब कल्ले बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो उन कल्लों को हमें हटाना होता है। आप इस पौधे को देखिए, इसमें कहीं भी घनापन नहीं है, ये देख लीजिए आप में। इसके कारण से जो अनावश्यक शाखाएं होती हैं उनको हटाते हैं, और इसमें प्रचुर हवा का प्रवाह होता है और धूप भी लगती है, और इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि कोई रोग नहीं आएगा, फंगस नहीं होगी। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो अमित जी ने किया है और मैंने किया है। अमित जी के यहाँ 15x15 पर हिसार सफ़ेदा के पेड़ हैं, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है और उन्होंने बताया है कि थिनिंग के जो हम कल्ले पहले कम करते हैं और उसके बाद जो फल प्रचुर मात्रा में आते हैं जब उनको कम करते हैं, उसका क्या परिणाम होता है। आइए मिलते हैं अमित जी से। सभी किसान भाइयों को अमित भाटी की बहुत बहुत नमस्कार। ये देखिए, मैं आपको पौधे की जो थिनिंग का जो महत्व है उसके बारे में समझाना चाहूँगा। ये मेरे बाग में 1.5 साल का पिंक ताइवान का पौधा है, और इसकी मैंने थिनिंग नहीं की थी, अनावश्यक डालियाँ हैं वो नहीं निकाली थी। मैं आज आपको उसका प्रभाव दिखाता हूँ। अगर आप थिनिंग नहीं करेंगे तो पौधे पर क्या विपरीत प्रभाव या फल की क्वालिटी कैसे ख़राब हो सकती है। अभी मैं आपको दो पौधे दिखाऊँगा, एक पौधे जिसमें मैंने थिनिंग नहीं की और एक पौधा जिसमें मैंने थिनिंग की थी, उनमें क्या फ़र्क है। देखिए, अभी एक हफ्ते पहले बारिश हुई थी, मौसम एकदम से जो टेम्परेचर है 30-35 डिग्री के आसपास आ गया था बारिश होने की वजह से। मौसम में ह्यूमिडिटी भी थी, गर्मी भी हो गई, उसकी वजह से जहाँ जिन पौधों में थिनिंग नहीं हुई, पौधों के अंदर तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँची, तो जैसे ही ये चीज़ होती है जो इस पर फ्रूट लगा हुआ है, देखिए इस पर एंथ्राकोनोज नाम की बीमारी आ गई। ये जो बीमारी आती है जब टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास हो, हवा में नमी हो और गर्मी हो, उस समय ये बीमारी आती है। देखिए, इस पर निशान बन गए, आप धीरे धीरे देखेंगे कई पौधों पे, फ्रूट पे आपको निशान देखिए, क्योंकि इनके पौधों की कैनोपी के अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो अंदर नमी बन जाती है, तापमान कम हो जाता है, और ये स्थितियाँ जो है फंगस के पैदा होने के लिए काफ़ी असर करती हैं, और फंगस तुरंत पैदा हो जाती है। दूसरा, कैंकर और एंथ्राकोनोज जैसी जो दिक्कत है, ये क्या करती है, अगर एक पौधे में आती है तो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू पूरे बाग में फैल जाती है, जिससे धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर लगभग सारा बाग रोगग्रस्त हो जाता है, और फ्रूट की जो क्वालिटी है, देखिए निशान बन जाते हैं, काले निशान, और फ्रूट की जो आप क्वालिटी लेना चाहते हैं वो बन नहीं पाती, और इस निशान के कारण आपके जो फल की जो वैल्यू है वो मार्केट में अच्छी तरह लग नहीं पाती। बहरहाल, देखिए इसकी कैनोपी, देखिए कितनी घनी है, घनी कैनोपी होने के कारण हवा और सूरज का जो पेनेट्रेशन है वो पूरा नहीं हो पाता, तो अंदर एक तरह से पौधा सूरज की रोशनी से स्टरलाइज नहीं हो पाता। अब मैं आपको एक पौधे की फ़ोटो दिखाऊंगा जो मैंने थिनिंग की थी, और उसके फ्रूट का मैं हाल दिखाता हूँ आप। ये भी 1.5 साल का पौधा है, और मैंने इसकी समय से थिनिंग कर दी थी। अब थिनिंग के बाद देखिए क्या हुआ, जैसे ही बारिश हुई
इसके अंदर हवा और सूरज का जो रोशनी थी अच्छी तरह आ पाई। देखिए इस फ्रूट की क्वालिटी देखिए, अब इन फ्रूट्स की क्वालिटी देखिए, किसी तरह के फंगस का कोई भी प्रकोप नहीं है। इसमें मैंने फ्रूट की थिनिंग भी कर चुका हूँ, तो इसके फलों का आकार भी देखिए कितना अच्छा है, कोई निशान नहीं है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा पूरी तरह से पौधे के अंदर तक आती है, जिसकी वजह से पौधा प्राकृतिक रूप से फंगस को पैदा नहीं होने देता, क्योंकि अंदर का तापमान पौधे का नमी नहीं बनने देता सूरज उसकी। ये देखिए कितना अच्छा फ्रूट है। अब इसी तरह ये दूसरा देखिए, जिसकी मैंने ब्रांचेस की थिनिंग कर दी थी, अब देखिए फ्रूट की देखिए, कोई निशान नहीं मिलेगा फ्रूट को, आप फ्रूट के ऊपर आपको ये देखिए। तो थिनिंग का देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, अगर आप समय से पौधों की थिनिंग कर देंगे तो आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। एंथ्राकनोज और कैंकर नाम की बीमारी है जो फ्रूट्स की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं, वो बीमारियां नहीं आ पाती बाग के अंदर और पौधे और फ्रूट पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। किसान साथियों, अभी आपने सुना अमित जी को और उन्होंने अपना अनुभव आप सबके लिए साझा किया। मैं अमित जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के बहुत ही अहम सदस्य हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग मुझे लिखते हैं कि हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए। किसान साथियों, हमारे ग्रुप में लगभग 110 सदस्य हैं, लेकिन हमने ग्रुप की फ़ीस रखी है, जो फीस है 2000 रुपये प्रतिवर्ष। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले पेमेंट करना होगा और फिर ग्रुप में जो दूसरे किसान करते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा, और जब भी आपकी कोई समस्या होगी वो भी सीखने को मिलेगा। अधिकतर किसान बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और इसमें कुछ साधारण किसान भी हैं, और मुझे बताते हैं कि हाँ, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। हमारे ग्रुप को चलते हुए 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। मैं अपने सभी ग्रुप के सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह मुकाम हासिल करने में सहयोग दिया। किसान साथियों, ये देखिए, आपको इस पौधे में देखे जैसा अमित जी ने दिखाया था, कहीं भी घनापन नहीं है। जब हवा निकलेगी, धूप अच्छी तरह लगेगी, तो फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फल देखिए, ये ललित का पेड़ है, कितनी मात्रा में है, और इनमें से लगभग मैंने आधे फल तोड़ दिए थे, इनको थोड़ा कम किया था। जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 3 फल थे, ये 1, 2, 3, मैंने 1, 2 हटा दिया, तीसरा रखा, इसी प्रकार इस पर रखा। अगर मैं उनको छोड़ता तो बहुत मात्रा में फल होते। किसान साथियों, किसान को एक प्रयोग करते रहना चाहिए, और वो उस प्रयोग का जो भी परिणाम निकलता, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सफल भी होंगे, लेकिन सफलता की उम्मीद अधिक रहती है। जब भी हम कोई नई बात बताते हैं, मैं एक और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे कुछ ही भाग में कर देखें। ये तो हुई थिनिंग की बात जो अमित जी ने बताई थी, मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ। किसान साथियों, मुझे बहुत किसान भाई जो किचन गार्डनिंग के हैं और या वैसे किसान हैं, वो मेरे को कुछ फ़ोटो भेजते हैं, एक पत्ते का फ़ोटो भेजेंगे और बताएंगे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। किसान साथियों, मैं बहुत ही परेशान हो गया इस बात से, मैं क्या बताऊं? न तो मुझे ये पता है कि इसके पास कितने पौधे हैं, नहीं ये पता है कि ये घर में लगाए हुए हैं या इसके बाग है इनका, ना मुझे ये पता है ये कितने वर्ष का है, ना मुझे ये पता है कि इसमें इसने कौन सा स्प्रे दिया था, इसमें इसने खाद क्या दी थी, मुझे ये कुछ भी नहीं बताते। इस कारण से मैं उनका जवाब देने में असमर्थ हूँ, और वो बार 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 मेरे से पूछते रहते हैं, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। मेरा ये जवाब है, आप मुझे पूरी डिटेल दें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका उत्तर दे दूँ, जबकि सबके लिए मेरे लिए ये संभव नहीं है। जिन किसान भाइयों ने 200-500 पेड़ लगाए हुए हैं, उन्हें समस्या आती है, मेरी विनती है कि वो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप कम से कम 1 साल के लिए ज्वाइन करें और देखें कि उनको कितना फ़ायदा होगा। मेरे पास कई ऐसे किस्से हैं जो मैं अभी 1-2 वीडियो में दिखाऊंगा कि उन भाइयों ने अनावश्यक दवाएं उन पर लगाई है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उसकी बजाय वो किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए होते तो उस दवाई में पैसा व्यर्थ नहीं जाता और उनकी जो मेहनत है वो भी व्यर्थ नहीं जाती। किसान साथियों, एक और अंतिम बात, किचन गार्डनिंग के बहुत ही
मेरे पास सदस्य होते जा रहे हैं, उनके लिए एक मैं अलग से ग्रुप बना रहा हूं, जिसकी घोषणा मैं शीघ्र ही करूंगा। अंतिम बात, जो मैंने 3 पौधे गुट्टी वाले दिखाए थे, अगर किसी भाई को वे पौधे अभी चाहिए, अभी मेरे पास लगभग 100 पौधे और बचे हैं, अगर वो पौधे चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9910336138 पर व्हाट्सएप करें, अपना पूरा नाम लिखें और पूरा पता लिखें, उसे शॉर्ट में मत लिखें, पते के साथ एक पिन कोड भी लिखें और एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर अवश्य दें, ताकि जब मैं कूरियर करूँगा तो कूरियर वाले को अगर आपका किसी कारण से एक नंबर बंद है तो वो दूसरे से आपसे संपर्क करता है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।